लेते वीडियो वायरल हो रहा है। रिपोर्ट लगाने के लिए रिश्वत मांगी थी, 1000 रुपए लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। अरुआ में तैनात है लेखपाल, इसका नाम शिव प्रसाद वर्मा है। राम सनेही घाट के अरुआ क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर 1000 रिश्वत लेते हुए एक लेखपाल पकड़ा गया है। इसके पहले हमने आपको खबर दिखाई कि 5000 रुपए रिश्वत लेते हुए एक बैंक मैनेजर को सीबीआई की टीम ने पकड़ा, और अब एक लेखपाल है, इसका नाम शिव प्रसाद वर्मा है, 1000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो वायरल देखने को मिला है, और इसमें ये शिकायत की गई है कि आय प्रमाण पत्र के नाम पे 1000 रुपए की मांग की गई थी लेखपाल द्वारा, और उसके द्वारा पैसा लिया गया है। शिकायतकर्ता कोई अलग से कोई इस बात की शिकायत लेकर के मेरे पास सामने नहीं हुआ है, फिर भी जो कि वीडियो वायरल है तो इसकी जांच करा करके खुलदार को कहा गया है कि इसकी जांच करके रिपोर्ट हो और तदनुसार संबंधित लेखपाल के विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्भय, जरा ये बताइए, तो पकड़ तो लिए गए हैं और एसडीएम कह रहे हैं जांच कराई जाएगी, ये रिश्वत किस बात का मांग रहे थे और क्यों मांग रहे थे? देखिए राहुल, ये मामला रामसनेही घाट तहसील में ये तैनात है ये लेखपाल शिव प्रसाद वर्मा, जो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिश्वत मांग रहे थे। तो जहाँ तक ये सामने जो तस्वीरों पे दिख रहा है, ये पैसा मांग रहे थे और ये भी कहते दिखाई दिए थे कि उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने रिपोर्ट लगा दी है और कोई हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जिस तरह की रिपोर्ट चाहे लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला रिश्वत से जुड़ा हुआ है, और आय और निवास के लिए जो इस तरह से लेखपाल जो है वो पैसा मांगते हैं, उसी कड़ी में ये आज का वो जो वीडियो वायरल हुआ है उसी कड़ी का ये चल रहा है। तो क्या ऐसे ये हमेशा मांगते थे पैसे? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, तो यही तो अभी एक लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन इसी तरह से ये इसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि आय की कम ज्यादा मांगते रहे होंगे। बहरहाल ये बताइए, एसडीएम कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या किया? देखिए कल का मामला है, कल भी ये वीडियो वायरल हुआ है और अभी एसडीएम के संज्ञान में ये मामला आया है। तहसीलदार से हमारी बात हुई तो जो तहसील के जो मालिक है, तहसीलदार है, उन्होंने कहा है कि इस बारे में जो है वो हाईकोर्ट में है वो, और उसकी जांच करा के उससे कार्रवाई की जाएगी। तो एसडीएम ने तहसीलदार को जांच सौंपी है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया दीपक निर्भय इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर कानपुर देहात से है। आईजी ने कानपुर देहात का वार्षिक दौरा किया है।